कौन चाहता है कि मैं बलहीन रहूं, सामर्थ्यहीन रहूं? आपकी हताशा, निराशा और रोग के कण मिटेंगे, आप निरोग और प्रसन्न रहने में सफल होने लगेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का एक रामबाण, हृदय का उल्सित रामबाण औषध है। भगवान की प्राप्ति क्यों? कि आपके जीवन की मांग है रस और जीवन की मांग है विश्राम। विश्रांति से सामर्थ्य आता है। कौन चाहता है कि मैं बलहीन रहूं, सामर्थ्यहीन रहूं? तो शरीर को विश्राम मिलता है तो शरीर की थकान मिलती है, लेकिन भगवत शांति में, ध्यान में विश्राम मिलता है तो आपकी जन्म जन्म की थकान मिटती है। बोधायन संहिता है। बोधायन ऋषि बड़े ऊंचे अनुभव के धनी हो गए। उन्होंने लिखा है, इष्टापूर्तानि कर्माणि सुबाहूनि कृतानि अपि भवे हेतुनि तानेव हरे नामेव तु भक्तिदम्। इष्ट यज्ञ योग आदि आपूर्ति, अर्थात कुआ खुदवाया, बावड़ी खुदवाई, पेड़ लगाए, धर्मशालाएं बनवाई, और भी यश के लिए और पुण्य के लिए सारे कर्म करो, उसका फल एक तरफ, लेकिन कितने ही ऐसे अधिक से अधिक कर्म कर लो, उनकी संख्या का कोई तोल मोल ना हो, फिर भी भगवत भजन और भगवत शांति की बराबरी वे सोल में ऐसे की नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान का नाम लेते लेते आप अपने हृदय में विश्रांति पाइए, रस पाइए, फिर आप संसार के दैनिक कार्य करिए। घर से जाओ खा के तो बाहर मिले पका के, घर से जाओ भूखे तो बाहर मिले धक के। हम जहाज़ों में कहीं जाते हैं तो लोग बोलते, बापू जी आपका नाम सुना है, हम आपका लेक्चर रोज बोल सुनते। मैं क्या, हम लेक्चर करते ही नहीं। बोले सॉरी, आपका स्पीच सुनते। मैं क्या, हमने स्पीच किया ही नहीं। वो प्रोफेसर और नेता करते हैं। तो बोले बापू जी आपका भाषण, मैंने क्या वो नेताओं को सौंप दिया। ओ सॉरी बाप जी, हम आपकी कथा सुनते। मैं क्या, कथा कथाकार करते हैं। नहीं बापू जी, हम आपका सुनते हैं। मैं क्या, सत्स्वरूप ईश्वर में गोता मार कर जब बोला जाता है शास्त्र सिद्धांत, तब वो सत्संग होता है। सत्संग से पापों का शमन होता है। हम कथा नहीं करते। कथाकार में और संत में फर्क है। कथाकार शास्त्र के पीछे पीछे चलता है और शास्त्र संत के पीछे पीछे चलता है। आप ईश्वर में विश्रांति पाइए, ईश्वर में रस पाइए, तो आपकी वाणी संत वाणी हो जाएगी, आपका अनुभव संत अनुभव हो जाएगा। नानक बोले सहज स्वभाव, गुरुवाणी हो गई, कबीर का बीजक हो गया, रामकृष्ण का वचनामृत हो गया, मीराबाई के पद शास्त्रवाणी हो गई, ऐसे ही सहजोबाई हो गई, उसकी बहन दयाबाई अलवर में उनके गुरुदेव का सानिध्य पाकर इतनी ऊंचाइयों को छुआ, क्या कहे। तो शांति पाना, सच्चा सुख पाना सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन संसार का सुख अस्वाभाविक है और शाश्वत नहीं है, टिकता नहीं है। तो जो शाश्वत नहीं हो, टिके नहीं, उसे संसार कहते हैं, और जो स्वाभाविक है, शाश्वत है, उसे परमात्मा सुख कहते हैं। तो उसको पाने के लिए मेहनत नहीं है, जैसे दारू के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पानी के लिए तो बर्तन रखना पड़ता, लेकिन श्वास स्वाभाविक है, उससे भी ज़्यादा तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ स्वाभाविक है। श्वास तो यहीं दम टूट जाता है, लेकिन परमात्मा तो दम टूटने के बाद हरदम तुम्हारे साथ रहता है। तभी तो पता चलता कि नरक में दुख भोगा, स्वर्ग में सुख भोगा, इतना स्वाभाविक ईश्वर। उसको पाने के लिए मेहनत करने की कोई कतई रत्ती भी जरूरत नहीं है, लेकिन उल्टी आदतें बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती। जो उल्टे चल गए ना, रिवर्स में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती। ईश्वर को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। हे राम जी, फूल और टहनी पत्ते मसलने में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा को पाने में परिश्रम क्या है? आप सुबह उठकर शांत बैठ जाओ, कुछ ना करो, आप अनजाने में परमात्मा के निकट हो। फिर मत्था टेक के 3-4 मिनट पड़े रहो, आपकी विचार शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति गजब का काम करेगी।
फिर आप अपने जीवन में प्रसन्नता लाओ, हास्य लाओ। हास्य एक तो दैत्य दानव हास्य होता है, दूसरा मानवीय हास्य होता है, लेकिन आप देव मानव हास्य। देव का बार बार चिंतन करके भगवान के नामों का चिंतन, जैसे डायनामो घूमता है तो ऊर्जा बनती है, से भगवान के नाम का पुनरावृत्ति करते 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 आपके मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर केंद्र में एक ओरा बनेगी, ओज बनेगा। फिर आप ऐसे जप करते करते नाम लेते लेते हाथ ऊपर करके जोर से ठाका मार के हंसोगे, आपकी रक्त वाहिनियों में वो सात्विक रक्त का प्रसारण होगा, आपकी हताशा निराशा और रोग के कण मिटेंगे, आप निरोग और प्रसन्न रहने में सफल होने लगेंगे। हास्य मानसिक स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का एक रामबाण, हृदय का उल्सित रामबाण औषध है। आयुर्वेद के मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि चिंता क्रोध और ईर्ष्या से जो घातक कण बनते हैं, हास्य उन सब का उन्मूलन करने की अद्भुत औषधि है। एक 79 साल का व्यक्ति सामाजिक संस्था में निःशुल्क सेवा करने लगा। कुछ जानकार डॉक्टर और विज्ञानी ने पूछा कि तुम इतने बूढ़े हो गए और फिर भी ये संस्था में ये सेवा कार्य में लगे हो, तुमको कुछ पगार तो मिलता नहीं? बोले मुझे खुशी मिलती, प्रसन्नता मिलती। बोले तुम बीमार नहीं पड़ते? बोले तुम विज्ञानी हो, डॉक्टर हो, ब्लड चेक करो, यूरिन चेक करो, चेक किया तो वो हो दुनिया भर की बीमारी। बोले तुम स्वस्थ कैसे हो? बोले तुम बताओ मैं स्वस्थ कैसा हूँ? डॉक्टरों ने पाया कि शरीर में तो रोग के कीटाणु बहुत है, लेकिन सेवा से जो प्रसन्नता मिलती है वो उनको पनपने नहीं देते, बाधित कर देते हैं, इसीलिए सेवा भी एक रसायन है। निष्काम भाव से, वाहवाही के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बस ईश्वर के संतोष के लिए स्वांत सुखाय सेवा। अब इतना बड़ा कुंभ का मेला है, अगर हम आपसे कुछ लेने की भावना से सत्संग करते तो सत्संग नहीं होता, भाषण हो जाता। लेकिन आपके अंदर में छुपे हुए ईश्वर की सेवा के भाव से हम बोलते हैं तो हमारा एक एक शब्द सत्संग हो जाता है, और आप एक एक कदम चल के आते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है सत्संग से। भागवत प्रमाण है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, अश्वमेघ सहस्राणी, अश्वमेघ सहस्राणी, वाजपे शतानि च, वाजपे शतानि च, शुकशास्त्र कथायाश्च, शुकशास्त्र कथायाश्च, कलानाहन्ति षोडशम्, कलानाहन्ति षोडशम्। हजार अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपे यज्ञ करने का फल बड़ा भारी है, लेकिन जो सत्संग है, भगवत कथा है, उसके आगे वो सारे फल 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा आप सफल फल पा रहे हैं सत्संग में भाई साहब। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तुलसीदास ने कहा जिन्होंने अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान हैं सांप के बिल जैसे, संसार का राग और द्वेष ही अंदर भरेंगे। राग भी बांधता है और द्वेष जलाता है, वो विकारों में बंधते रहेंगे और द्वेष में जलते रहेंगे जिसके कानों से हरि कथा नहीं है। तो भगवान की कथा भी कानों से जाती है। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस होते हैं, इन बिजली चमकती है तो प्यास बुझाने वाली, जीवन दान देने वाली वृष्टि हो जाती है, ऐसे ही कानों के द्वारा संसार का ज्ञान जाता है, राग द्वेष। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, जब तक बिजली नहीं चमकती तब तक वो पानी में रूपांतरित नहीं होती गैस। ऐसे ही राग द्वेष संसार का घुसा है, सत्संग रूपी विद्युत के कण जाते हैं तो तुम्हारे जीवन में भगवत रस की वृष्टि होने लगती है। कैटलिक एजेंट, विज्ञानियों ने नाम दिया बिजली को कैटलिक एजेंट, और धर्म ने नाम दिया सतगुरु की वाणी, सत्संग की वाणी।
सत्संग तो भगवान शिव जी को भी चाहिए, भगवान राम जी को भी चाहिए, भगवान कृष्ण को भी चाहिए, तो तुमको हमको चाहिए तो क्या बड़ी बात है। शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने करने जाते, राम जी भरद्वाज आश्रम में सत्संग सुनने करने जाते, और श्री कृष्ण तो युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग की बातें करते। अगर जीवन में सत्संग नहीं होगा तो कुसंग जरूर होगा। पापी आदमी की पहचान है कि आप उसको सत्संग में लेने चलने को कहो तो वाना बना देगा और वो आ नहीं पाएगा। पापी मनुष्य की पहचान है, वो सत्संग में पहुंच नहीं पाएगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, राम कथा ते भाव न कहो। आएगा तो बैठ नहीं पाएगा, उसके पाप उसको भगा के ले जाएंगे। अगर बैठ गया तो पाप टिक नहीं सकते, धीरे धीरे काले कौवे मिटते जाएंगे, हृदय दीप्यमान कण बनते जाएंगे, सूझबूझ का धन और पुण्य बढ़ता जाएगा। किसी के साथ पीढ़ी गरकाव करनी हो तो उसको शराब पीना सिखा दो और संतों की निंदा करना सिखा दो, सात पीढ़ी तबाह हो जाएगी। और किसी साथ पीढ़ी आबाद करनी हो तो उसको सत्संग करना सिखा दो, उसको बोतल का शराब, सात पीढ़ी बर्बाद करनी हो तो बोतल का शराब, और सात पीढ़ी आबाद करनी हो तो दिल की प्यालियों में हरि नाम का शराब पीना सिखा दो। जो चिंता लेकर भोजन करते हो उसका रस भी ऐसा चिंताजनक बन जाता है, जो रात्रि को थकान और चिंता लेके सोते हैं तो उनकी प्रभात और रात भी ऐसे ही जाती, रात को भी हंसते खेलते के प्रभु माँ की गोद में बच्चा और तेरी गोद में मैं, क्यों है ना ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते। बिस्तर बैठे ऐसा जपते जपते लेट गए, आपकी रात के 6 घंटे नींद तो होगी लेकिन साथ साथ में वो भगवत चिंतन गहरे मन में आपके 6 घंटे भक्ति के कण बनाने लग जाएगा।